प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या पर फैसले के बाद देश को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि अयोध्या पर कोर्ट ने फैसला सुनाया है जिसके पीछे सैकड़ों वर्षों का एक इतिहास रहा है। पूरे देश की ये इच्छा थी कि इस मामले में अदालत में हर रोज सुनवाई हो और आज फैसला आ चुका है। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि दशकों से चली न्याय प्रक्रिया और उस प्रक्रिया का समापन हुआ। पूरी दुनिया मानती है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। फैसला आने के बाद जिस तरह से हर वर्ग के लोगों ने खुले दिल से इसे स्वीकार किया है भारत की परंपरा को दिखाता है। पीएम मोदी ने कहा कि आज की तारीख ये भी संदेश देती है कि कटुता का कोई स्थान नहीं है। तो मानती है पूरे देश की ये इच्छा थी कि इस मामले की अदालत में हर रोज सुनवाई हो, जो हुई और आज निर्णय आ चुका है। दशकों तक चली न्याय प्रक्रिया और उस पूरी प्रक्रिया का अब समापन हुआ है। साथियों, पूरी दुनिया ये तो मानती ही है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। आज दुनिया ने यह भी जान लिया है कि भारत का लोकतंत्र कितना जीवंत है और कितना मजबूत है। फैसला आने के बाद जिस प्रकार हर वर्ग ने, हर समुदाय ने, हर पंथ के लोगों ने, पूरे देश ने खुले दिल से इसे स्वीकार किया है, वो भारत की पुरातन संस्कृति, परंपराओं और सद्भाव की भावना को प्रतिबिंबित करता है। भाई और बहनों, भारत जिसके लिए जाना जाता है, और हम इस बात का गर्व से उल्लेख भी करते हैं, विविधता में एकता, विविधता में एकता, आज यह मंत्र अपनी पूर्णता के साथ खिला हुआ नजर आता है। 9 नवंबर ही वो तारीख थी जब बर्लिन की दीवार गिरी थी। दो विपरीत धाराओं ने एकजुट होकर नया संकल्प लिया था। आज 9 नवंबर को करतारपुर साहिब कॉरिडोर की शुरुआत हुई है। इसमें भारत का भी सहयोग रहा है, पाकिस्तान का भी। आज अयोध्या पर फैसले के साथ ही 9 नवंबर की ये तारीख हमें साथ रहकर आगे बढ़ने की सीख भी दे रही है। आज के दिन का संदेश जोड़ने का है, जुड़ने का है और मिलकर जीने का है।